पुलिस के लोन वर्राटू मतलब घर वापस आई अभियान से प्रेरित होकर 1 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली ने सोमवार सुबह खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इतना ही नहीं, दोपहर में फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए बम को निकलवाया। एसपी ने समर्पित नक्सली को गांव में खेती किसानी करने या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया है। घर वापसी अभियान में 2 महीने में 70 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान के तहत 2 माह में 70 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे प्रेरित होकर ग्राम पीरनार निवासी नक्सली गुड्डी सोमवार की सुबह परिजनों के साथ किरंदुल थाने पहुंचा। दोपहर में पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर हिलेरी के रेंगापुरा पहुंचा, वहां सड़क के नीचे दबाए बम की जानकारी दी। जवानों ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को निकलवाया और मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। गुड्डी ने बताया कि घरवा गांव वालों के समझाने और पुलिस की ओर से जारी सूची में अपना नाम देखकर आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि गुड्डी के खिलाफ किरंदुल थाने में 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, आगजनी, सड़क काटने, मारपीट आदि वारदातें शामिल हैं। दंतेवाड़ा में 9 अगस्त को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय 12 माओवादियों ने घर वापस आई अभियान के तहत विधायक दंतेवाड़ा देवती कर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक विनय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा उदय किरण के समक्ष आत्मसमर्पण किया। माह में शुरू किया था, इसमें अभी तक 82 सरेंडर हो चुके हैं। आज इसमें 12 सरेंडर, इसमें की 5 इनामी नक्सली के। ये दंतेवाड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्रों पे, इवन जो बॉर्डर इलाका है बीजापुर के, वहाँ पर भी सरेंडर हुए हैं। इनके आने से जो इनके इंट्रोगेशन के आधार पर काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। गाँव में लोग जो है नक्सलवाद को छोड़ के, जो ग्राउंड कार्डर उनके हैं और इवन बड़े कार्डर मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं, अपना खेती बाड़ी करके बाकी व्यवसाय में गांव में रह के अपना जीवन व्यापन करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोन वर्राटू को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में इनामी नक्सली और बड़े कार्डर भी सरेंडर होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।